पद्मा देवी जी को कुर्सी की भूख बहुत ज़्यादा है। उनको राजनीति में आना था, पहले भी वो राजनीति में राजा साहब से लड़ झगड़ के उन्होंने विधायकी के लिए दावेदारी करके और चुनाव लड़ा था और 25,000 वोटों से वो खुद तो हारी थी और राजा साहब का करियर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। राजा साहब 10 साल तक इस राजनीति से लगभग बाहर थे जब मैं शादी होके आई थी। दोबारा मैंने उनको फिर से खड़ा किया था और बड़ी मेहनत करके उनको 3 साल इस उसमें राजनीति में दोबारा से वो मजबूत हुए थे। लेकिन अब वो गए या भेजे गए, मैं बच्चों ने मुझसे कहा कि आप हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर ये कर रहे हो कि हमने पापा को ख़त्म करवा दिया, तो मैंने उस दिन से अपना हाथ खींच लिया। मैंने जांच से भी मैं पीछे हट गई कि उनकी मौत के लिए मैं किसी को जिम्मेदार अब नहीं मान रही हूँ। लेकिन पद्मा देवी जी ने उनको बहुत परेशान किया है, 18 साल तक वो परेशान करती रही उनको। उसके बाद जाने के बाद भी वो बच्चों को यूज़ करके पैसे मंगवाती थी और जब वो रहीं, जब वो उनके रहने पे विधायक का इलेक्शन लड़ने के बाद 25,000 वोटों से वो हार गईं, तो आज वो कैसी दावेदारी कर रही हैं और कैसे वो जीत जाएंगी। और 11 करोड़ रुपए लेके जब वो जा चुकी हैं, नितिन पंत की पत्नी बन चुकी हैं, तो फिर वो किस हैसियत से खैरागढ़ में रह रही हैं, किस हैसियत से वो बच्चों को लेके गली गली घूम रही हैं। बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चे 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गली गली घूम रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। पहले भी उनको पैसों के लिए यूज़ किया गया और अब उनको संपत्ति और राजनीतिक कुर्सी के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ जो होती है, माँ जो होती है वो बच्चों को छोड़ कर नहीं जा सकती। पति से लड़ाई थी, चली गई, ठीक है, बट छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर के जाना, वो तो जानवर भी नहीं कर पाता। वो तो लेकर जाता है बच्चों को या बच्चों के लिए कहीं कोने में किसी तरीके से ज़िंदगी काट लेता, लेकिन उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, अपना घर बसा लिया। और अब बच्चों की, आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बालिग हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो वो बच्चों को फिर से अपने इस्तेमाल में ले रही हैं। वो बच्चों को संपत्ति के लिए और राजनीतिक कुर्सी के लिए पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। आप लोग उनके बच्चों के फ्यूचर को, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें, हमारी मदद करें, जनता को ये बताएं कि ये पद्मा नितिन पंत हैं, इनका स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले ख़त्म हो चुका है, वो पैसे लेकर के जा चुकी हैं, वो कोर्ट में बाकायदा कोर्ट के थ्रू देवव्रत सिंह जी को छोड़ चुकी थी। अब वो उनकी पत्नी नहीं है, वो उनके राजनीतिक चीज़ों की कोई अधिकार नहीं रखती हैं और वो खैरागढ़ में कोई अधिकार नहीं रखती।